वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। शो का वो अहम पड़ाव जहां पर दर्शकों को बेसब्री से इंतजार होता है हमारे एक्सपर्ट्स से बात करने का। एक्सपर्ट्स के तौर पर मेरे साथ श्वेता रजवानी, हेड म्यूचुअल फंड्स आनंद राठी वेल्थ, मेरे साथ जुड़ गई हैं। गौतम कालिया शेर खान में बनी पारिवार से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और पहले दर्शक जो सवाल पूछना चाहते हैं, श्वेता आपके पास है इनका सवाल, अरविंद साहब का सवाल मैं लूँगी। नमस्कार अरविंद जी। नमस्कार जी। नमस्कार सर, आपका सवाल मेरे पास आया है। आपने एक ब्लू चिप फंड अपने पोर्टफोलियो में रखा है, एक मिड कैप है, फ्लेक्सी कैप है, स्मॉल कैप है, दो स्मॉल कैप है आपके पास, और सब में आप हज़ार हज़ार रुपये का निवेश भी कर रहे हैं, और एक 1.5 करोड़ रुपए आपको चाहिए 15 से 17 साल में, और 10% से आप अपनी SIP को स्टेप अप भी करना चाहते हैं। इसके अलावा क्या आपका और कोई सवाल है? मैं ये जानना चाहूँगा मैडम कि एक्सपर्ट सर से, सर से मैं, यानी मेरा पोर्टफोलियो जो है वो क्या सही है या फिर उसमें कुछ चेंजेस करना पड़ेगा, उसके बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। ऑलराइट, चलिए इसी मकसद से ये सवाल भी हमने शामिल किया है। बताइए श्वेता, इनके लिए क्या सलाह होगी? जी अरविंद जी, पहले तो आ जाते हैं आपका जो लक्ष्य है। डोर बंद करवा दो। पहले आते हैं आपके लक्ष्य पे। आप 5,000 की SIP कर रहे हैं और 17 साल बाद आपको 1.5 करोड़ का एक अमाउंट चाहिए, तो अगर आप 14% की ग्रोथ रेट पकड़ लें, जो इक्विटी की नॉर्मल एक अजम्पशन रख सकते हैं, और 10% से स्टेप भी करें, आप 70 लाख पे पहुंच जाएंगे 17 साल के बाद। अब 1.5 करोड़ के गोल पे पहुंचने के लिए आपको शुरुआती दौर पे आपकी SIP को बढ़ाना पड़ेगा। आप अगर 11,000 की SIP से शुरुआत करते हैं तो आप अपने लक्ष्य पे आसानी से पहुंच जाएंगे। तो ये पहली बात थी आपके लक्ष्य पे। दूसरे आप आ जाते हैं आपके फंड्स पे। एक चीज जो बहुत अच्छी है आपके फंड्स में, जो आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपके जो दो स्मॉल कैप फंड्स हैं ये अच्छे फंड्स हैं, आप इन्हें कंटिन्यू करें। तीन फंड जो आपके इसके अलावा हैं, एक कैनरा रोबेको का ब्लू चिप फंड है, एक पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड है, और एक आपका मोतीलाल का मिड कैप फंड है। ये तीन फंड मैं आपको कहूंगी कि इनमें से आप SIP बंद करते हैं, और इसके इनके जगह पे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप एक तरह से देखे तो इंटरनेशनल इक्विटी में भी इन्वेस्ट करता है, लेकिन जो इंडियन इक्विटीज की एक्सपेक्टेशन है वो बेहतर है, तो पराग पारिक में इन्वेस्ट ना करें। इसके जगह पे आप एक कोटक का एमर्जिंग फंड, एक ICICI का फोकस इक्विटी फंड है, सो एक प्योर ब्लू चिप फंड में या लार्ज कैप फंड की जगह पे एक फोकस इक्विटी फंड में निवेश करें तो वो आपके लिए बेहतर होगा, और HDFC का फ्लेक्सी कैप फंड जो कि ज्यादा करके लार्ज कैप कंपनियों में निवेश करता है। ये तीन फंड है जो मैं आपको एडिशनली रेकमेंड करूंगी। अरविंद जी, आपको सलाह समझ में आई जो आपको दी है श्वेता ने? हाँ जी मैडम, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। क्या मेरे साथ अगले दर्शक हैं फोन लाइन पर? विजय। हाँ गुड इवनिंग मैम, मैं विजय पारी बोल रहा हूँ जयपुर से। जी गुड इवनिंग विजय जी, क्या हालचाल? बस बढ़िया मैडम, आप कैसे हो मैडम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच, आपने सवाल भेजा। आपने अभी शुरुआत करनी है अपने इन्वेस्टमेंट की, जो फंड्स आपके पास हैं ऑलरेडी मैं देख सकती हूँ आपने निवेश शुरू कर रखा है, और आप कब से ये निवेश कर रहे हैं? मैडम लास्ट 8 to 10 months हो गए मेरे को इन्वेस्टमेंट करते हुए इन फंड में। इसके अलावा आप 10,000 रुपए की और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? हाँ 10,000 to 20,000 अदर इन्वेस्टमेंट इन अदर गुड SIP गुड फंड। तो 10,000 आपको निवेश करना है या 20,000, ये काफी हद तक मैं आपको बता पाऊंगी आपके कॉर्पस के बिना पर कि आपको कितना कॉर्पस कितने सालों में इकट्ठा करना है। मैडम अभी मेरी प्रेजेंट एज 49 है और मेरे को 60 ईयर तक इन्वेस्टमेंट करना है, यानी 11 साल के लिए मेरे को वापस इन्वेस्टमेंट करना है। मेरा 10,000 ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है, इसके अलावा मैं 15 to 20,000 अदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ थ्रू SIP। 11 साल में कितना आपको इकट्ठा करना है? ऐसा कोई मेरा वो टारगेट नहीं है मैडम, जो भी बढ़िया फंड हो उसमें अच्छा पैसा रिटर्न आ जाना चाहिए, बस ऐसा मेरा कोई वो टारगेट नहीं है कि मेरे को अच्छा पैसा चाहिए, वैसा कुछ नहीं है। अच्छा रिटर्न की परिभाषा क्या होगी आपकी विजय जी? अच्छा रिटर्न तो बहुत ज्यादा होता है, कुछ लोगों के लिए अच्छा रिटर्न 7% भी होता है, कुछ लोगों के लिए अच्छा रिटर्न 50% होता है, आपका अच्छा क्या है?
मैडम जो भी आप सजेस्ट करोगे ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे को, मतलब इतना। चलिए झटपट मैं गौतम के पास जाती हूँ। गौतम बताइए, आपके पास सवाल है, आपको काफी जो इन्फॉर्मेशन नहीं थी वो मिल गई है, बताइए। जी तो विजय जी, आपके सवाल सुन के मुझे ऐसे लग रहा है कि आपने जो 10,000 का सिर्फ जो शुरू किया था 7-8 महीने पहले, आपने रिटर्न देके आपको मोटिवेशन हुआ, आपको अच्छा लगा, तो आप अभी और 10,000 डालने की सोच रहे हैं। तो बस यही ध्यान में रखिए कि मैं अभी आपको फंड तो बता दूंगा, मगर अगर मार्केट नीचे जाएगी तो पैसे फिर भी डालते रहना, क्योंकि ये मार्केट के उतार चढ़ाव चलता रहेगा और उसके हिसाब से आपकी परफॉर्मेंस ऊपर नीचे जाती रहेगी। तो लंबे अरसे के लिए निवेश जरूर रखिए। तो आप ऐसे करिए, टाटा लार्ज कैप फंड में 6,000 का नया सिप शुरू कर दीजिए, कोटक इमर्जिंग इक्विटी में जो मिड कैप है उसमें 2,000 का नया सिप शुरू कर दीजिए, और कोटक स्मॉल कैप फंड में 2,000 का नया सिप शुरू कर दीजिए। ये दिस इज आपके जो एग्जिस्टिंग सिप है उसके साथ वो जारी रखिए, और ये नए सिप शुरू कर दीजिए, तो आपका 20,000 का महीने का जाएगा और आपका पोर्टफोलियो भी फिर अच्छा हो जाएगा, आपका एलोकेशन भी सही हो जाएगा। गौतम जी, विजय जी कोई सवाल आपको पूछना है गौतम से? बस नहीं मैडम, मेरे को जस्ट ये था कि जैसे मेरा 10,000 ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है और 10,000 जो सर ने एडवाइस किया है उसके अकॉर्डिंगली मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो मिनिमम जैसे अपन लेके पकड़ दे 12%-13% जो भी रिटर्न आता है, तो मेरा कितना मतलब पैसा इकट्ठा हो जाएगा, कुछ कैलकुलेशन बता सकते हैं सर? बिल्कुल, अप्रोक्सीमेट अमाउंट गौतम कितना लगता है आपको ये इकट्ठा कर पाएंगे? तो देखिए, अगर आप 10 साल के लिए 20,000 डालते रहे महीने का, और 12% के हिसाब से आपका 45-50 लाख बन सकता है। ऑल द बेस्ट विजय जी, और उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई हो। अगले दर्शक मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। सर नमस्कार। नमस्कार मैम, धन्यवाद, आपने अपना सवाल हमें भेजा है, काफी इलैबोरेट तरीके से आपने सवाल भेजा है, क्या इसमें आपको और कुछ ऐड करना है? एक्चुअल में मैम, मैंने ना 10 साल पहले SIP शुरू की थी 4 फंड्स में, तो वो रेगुलर प्लान में थी और ग्रोथ ऑप्शन थी मेरी, तो बीच में 2018 में एक टाइम आया कि मैं वो सिप कंटिन्यू नहीं कर पाया, लेकिन मैंने अपना कॉर्पस निकाला नहीं, वो अप्रोक्सीमेटली 16-17 लाख के करीब मेरा कमुलेट हो गया। तो अभी मैंने फिर से सिप स्टार्ट किया June 2023 में, लास्ट मंथ, तो अब मैं डायरेक्ट प्लान में अपनी सिप कर रहा हूँ। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि भी उसमें से मैंने क्या किया कि 2 फंड्स जो पहले वाले थे, एक निपुण का है, एक HDFC बैलेंस फंड है, तो उनको मैंने डायरेक्ट में अभी इन्वेस्टमेंट करना अपनी सिप स्टार्ट की है। तो मेरा एक्चुअल में क्वेश्चन ये था कि भी अगर मैं, मेरे लिए कौन सी ऑप्शन ठीक रहेगी, कि मेरे पास तो कॉर्पस 16-17 लाख लास्ट जो 10 ईयर से वो कमुलेट हुआ है, तो नेक्स्ट 15 ईयर्स के लिए मैं सिर्फ आगे कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ, बच्चों के लिए और एजुकेशन के लिए और मेरा अपने मैरिज के लिए और इनका रिटायरमेंट के लिए। तो मेरी प्रॉब्लम ये है कि अभी अगर मैं उस रेगुलर प्लान को अभी डायरेक्ट में स्विच करता हूँ तो मुझे 10% टैक्स पड़ेगा, तो मेरे लिए ऑप्शन कौन सी सही रहेगी? क्या मैं कॉर्पस जितना है तो मैं 15 ईयर के लिए ऐसा च रखूँ, लेकिन जो मेरी नेक्स्ट सिप होगी वो उसी प्लान में है, लेकिन वो पोर्टफोलियो नंबर भी मेरा सेम है और मेरे फंड भी सेम है, तो वो कैसे, मतलब कंपाउंडिंग पे कैसे इफेक्ट पड़ेगा? जी चलिए, दिलचस्प सवाल है आपका, और आप अकेले नहीं होंगे जो इस तरह की दुविधा से जूझ रहे होंगे या इस तरह के सवाल जहन में होंगे। श्वेता, मेरे ख्याल से जो इनका आखिर का सवाल है, शुरुआत उसी से करते हैं, क्योंकि वो एक सवाल जो कि अधिकतर लोगों के जहन में होगा, बताइए। जी मैं एक्चुअली ये प्रश्न को 3 भागों में एक डिवाइड कर देती हूँ। सबसे पहले इनके गोल पे आते हैं। इन्होंने कहा कि 16,50,000 का एक कॉर्पस जमा कर चुके हैं पिछले 10 सालों में और 8,000 से SIP शुरुआत कर सकते हैं अब। तो 15 साल के लिए अगर आप इसे निवेश करते चलेंगे तो 15 साल बाद 14% की एक ग्रोथ रेट पकड़ के अगर हम चले, जो इक्विटी में एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, आप पहुंचोगे 1,70,00,000 पे। तो आप
सबसे पहले तो ये चेक कर लीजिए कि आपका जो गोल है एडुकेशन का, रिटायरमेंट का, क्या ये 1,70,00,000 आपके लिए सफिशिएंट होंगे तब? अगर नहीं तो फिर आप देखें अगर आपने SIP को स्टेप अप करना हो, ये पहली चीज। दूसरी चीज, आप यू नो एक कंफ्यूजन में थे, रेगुलर में आपकी आज से इन्वेस्टमेंट्स है उसे डायरेक्ट में शिफ्ट करें, आगे जाके डायरेक्ट में कंटिन्यू करें या रेगुलर में कंटिन्यू करें। तो यहाँ पे अगर मैं आपको यू नो दोनों में डिफरेंस बता दूं तो रेगुलर और डायरेक्ट के बीच में करीबन 1% का रिटर्न डिफरेंशियल रहता है। लेकिन एक यू नो दूसरी स्टडी हमने करी थी, करीबन 500 म्यूचुअल फंड है, अगर मैं बेस्ट और वर्स्ट म्यूचुअल फंड देखूं तो 50% का डिफरेंस रह सकता है। तो 500 में से कौन से वो 10-20 फंड हैं जो आपके लिए अच्छे हैं? अगर आप खुद उतना समय नहीं स्पेंड कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में रिसर्च करने का, तो आप एक डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जाएं और रेगुलर प्लान में कंटिन्यू करें। और बात आती है अब वो 10% की कैपिटल गेन टैक्स आप पे करें या ना करें शिफ्ट करने के लिए। देखें अगर फंड अच्छा है तो आप कंटिन्यू करें, रेगुलर प्लान है तो कंटिन्यू करें, कोई बात नहीं। अगर स्कीम अच्छी नहीं है तो फिर आपने वो टैक्स पे करके भी अगर निकलना है तो आपने निकल जाना चाहिए। जैसे आपके पोर्टफोलियो में, अब मैं तीसरे भाग पे आती हूँ, आपका पोर्टफोलियो में जो आपने फंड्स मेंशन करे हैं उसमें से यू नो आपकी जो स्मॉल कैप फंड है, आपका जो मल्टी कैप फंड है निपॉन मल्टी कैप का, वो आप अच्छा फंड है, वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन आपका HDFC का जो बैलेंस फंड है वो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप उसमें से निकल जाएं। आपका SBI मैग्नम मिड कैप फंड है वो अच्छा है, वो आप कंटिन्यू करें। उसके अलावा आपकी जो फंड्स है ना उसमें से आप एग्जिट करके, मैं आपको इसके जगह पे 3 दूसरे फंड्स रेकमेंड करना चाहूंगी। आप यू नो जो कैटेगरीज भी आपके पोर्टफोलियो में नहीं है लेकिन वो अच्छी कैटेगरीज हैं, आपके पास होनी चाहिए, स्मॉल कैप फंड में आपको सजेस्ट करूंगी। आप आदित्य बिरला फ्रंटलाइन इक्विटी के जगह पे आप आदित्य बिरला स्मॉल कैप फंड में निवेश करें। HDFC का स्मॉल कैप फंड है तो HDFC बैलेंस एडवांटेज के जगह HDFC स्मॉल कैप फंड में निवेश करें। कोटक का मल्टी कैप फंड है, ये अच्छा फंड है। और चौथा फंड एक DSP इक्विटी अपॉर्चुनिटीज, जहां से आपको एक लार्ज कैप का एक्सपोजर मिल जाएगा। ये 4 फंड मैं आपको सजेस्ट करूंगी। 2 आपके फंड अच्छे हैं, उन्हें आप कंटिन्यू करें, आप रेगुलर में कंटिन्यू कर सकते हैं। श्वेता, इनके पास एक फ्लेक्सी कैप भी है जिसमें भी मेरे ख्याल से इनको एक स्मॉल कैप का एक्सपोजर तो मिल जाएगा, उसके बाद और स्मॉल कैप में एक्सपोजर 2 फंड्स के जरिए लेना क्या ठीक होगा, या आपको लगता है कि थोड़ा सा इसको कम किया जा सकता है उम्र के लिहाज से, क्योंकि 43 साल है, समय सोच रही हूँ कि ये रिटायरमेंट के आसपास की प्लानिंग कर रहे होंगे। जी, जो बंधन का फ्लेक्सी कैप फंड है उसमें स्मॉल कैप एक्सपोजर यू नो 5-10% के ऊपर नहीं होगा। इनके लिए एक रेशियो भी मैं सजेस्ट कर देती हूँ, 50% का लार्ज कैप, 20% मिड कैप, जो इनको 2 मल्टी कैप फंड से मिल जाएगा, और 30% का स्मॉल कैप। अगर हम आज का मार्केट देखें तो ये एक अच्छी एलोकेशन है होने के लिए, तो मेरे हिसाब से स्मॉल कैप ही ले सकते हैं अभी। राइट, चलिए, ये सलाह अनादवीर को मिलती हुई श्वेता की तरफ से। और मेरे साथ वनराज राठौड़ भी फोन लाइन पर हैं, लेकिन मैं वनराज के पास जाऊं उससे पहले हम निवेश का जो गुरु मंत्र है उसकी ओर रुख कर लेते हैं झटपट। गौतम, आपके पास आऊंगी, पहले बताइए क्या है आपका आज का निवेश का गुरु मंत्र? जी, तो मैं बस ये दोहराना चाहता हूँ फिर से कि एसेट एलोकेशन पे ध्यान दें। बुल मार्केट में क्या होता है, काफी लोग भूल जाते हैं और इक्विटी में ज्यादा निवेश करते हैं, रिस्क और रिस्क मैनेजमेंट पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। फिर जब मार्केट नीचे जाती है और उनको नुकसान होने लग जाता है, फिर उनको ध्यान आता है, अरे थोड़ा सा डेट में डाल देना चाहिए था, थोड़ा सा गोल्ड में रखना चाहिए था। तो इसलिए मैंने सोचा ये बात दोहरानी जरूरी है कि एसेट एलोकेशन पे ध्यान दें और अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से अपना एक्सपोजर लें अलग अलग एसेट क्लासेस। श्वेता, आपका गुरु मंत्र क्या होगा निवेश का? जी, मेरा गुरु मंत्र ये रहेगा कि जब आप अपना लक्ष्य बना रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आप उसको बकेट कर लें। आपका शॉर्ट टर्म का लक्ष्य क्या है, कौन सा ऐसा गोल है जो आपको 3 साल में अचीव करना है, कौन सा 5 साल में, कौन सा 7 साल में, अगर ये बकेटिंग आप कर लेंगे
तो फिर आपकी एसेट एलोकेशन की डिसीजन एक सही रास्ते पे चलेगी और फिर आपका रिटर्न और रिस्क का जो बैलेंस है वो बना रहेगा। तो लक्ष्य को अच्छे से समय के हिसाब से उसे बकेट करना बहुत जरूरी है। ये है हमारे आज के एक्सपर्ट्स के निवेश के गुरु मंत्र जिन पर आपको अमल करना है आपके पूरे निवेश की जर्नी में। वनराज राठौड़ गुजरात से मेरे साथ फोन लाइन पर है। वनराज गुड इवनिंग, क्या हाल चाल आपका? गुड मैडम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग मैडम, एकदम बढ़िया। धन्यवाद आपने सवाल भेजा। और रिटायरमेंट के लिए आपको प्लानिंग करनी है, 5 से 6 हज़ार रुपये आप निवेश कर सकते हैं। अर्ली रिटायरमेंट है कि 60 में ही रिटायर होने का आपका लक्ष्य है? नहीं नहीं 60 में, 60 में ही ना। कितना लगभग आपको लगता है कि आपको इकट्ठा करना होगा? मौजूदा आपका खर्चा कितना होता है हर महीने का, उसके हिसाब से अगर आप आकलन करके हमें कोई बॉल पार्क फिगर दे सकें, कोई रफ फिगर दे सकें कि कितना चाहेंगे 60 की उम्र में हर महीना? हर महीने 30,000 के आसपास। 30,000 अभी का? अभी का 30,000 है ना आपका? ठीक है। और रिटायरमेंट में के बाद जो आपको रेगुलर इनकम चाहिए होगी वो सब आपको म्यूचुअल फंड के निवेश से ही चाहिए होगी या आपने और भी कहीं निवेश कर रखा है, जैसे कि आपकी कोई रेंटल इनकम होगी या और भी कोई आपने फिक्स डिपॉजिट वगैरह करके रखा है जहां से शायद आप पैसे निकाल कर इस्तेमाल करेंगे? मैंने स्टॉक लिए हुए हैं, 5 लाख का जो बजट है मेरा, रोकन इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है ठीक है। अब क्योंकि आपके पास समय है तो मेरे ख्याल से हम थोड़ा सा इसको और कैलकुलेट करके आपको प्लानिंग करके दे सकते हैं। तो गौतम, वनराज का फिलहाल जो हर महीने का खर्च है वो लगभग 30,000 का है। उम्र इनकी है 37 साल की, 60 साल की उम्र में ये कह रहे हैं कि ये रिटायर होंगे। अब ऐसे में इन्फ्लेशन को अगर आप गिन लें तो अप्रोक्सीमेटली कितना इनको 60 साल की उम्र में हर महीना चाहिए होगा? कम से कम 1,20,000 का खर्चा पड़ेगा महीने का 23 साल के बाद, 23 साल के बाद, क्योंकि इनकी उम्र 37 की है। तो मैं उनको यही बोलूंगा कि देखिए आप आप अगर 6,000 से शुरुआत करते हैं तो मैं आपको फंड तो बता देता हूँ, मगर जितनी जल्दी हो सके उतना और पैसा डालिए जिससे आपका मूल्य भी बड़ा बन सके। तो मूल्य आपका अगर आप 6,000 डालेंगे 12% के हिसाब से, आप जब 60 साल के हो जाएंगे तब आपके पास 90 लाख के आसपास रहेगा। 90 लाख से अगर आपने 10% साल का निकाल लिया तो आपका कुछ 9 लाख वहां से आएगा, जो आपके लिए कम पड़ सकता है क्योंकि इन्फ्लेशन भी है, इन्फ्लेशन भी कंपाउंड करता है हर साल आपके रिटर्न के हिसाब के अलावा। तो फंड में ये बोलूंगा कि आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप में डाल दीजिए, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड में, एसबीआई स्मॉल कैप और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, तो इन फंड्स में आप पैसा डाल दीजिए। अगर आप 6,000 डाल रहे हैं तो मूल्य तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में आप 2,000 डाल सकते हैं, HDFC फ्लेक्सी कैप में भी आप 2,000 डाल सकते हैं, और कोटक इमर्जिंग इक्विटी और SBI स्मॉल कैप में आप 1,000 से शुरुआत कर सकते हैं। मगर हर साल जितना हो सके अगर 500,000 2,000 जितने भी आप मूल्य बढ़ा सकते हैं उसे बढ़ाइए, जिससे आपका मूल्य 23 साल के बाद 60 साल की उम्र में काफी हो। चलिए वनराज, मेरे ख्याल से काफ़ी डिटेल में जाकर आपको सलाह दे दी है गौतम ने। मेरे पास समय बिल्कुल ख़त्म हो गया है, लेकिन झटपट कुछ आपको पूछना है गौतम से? सर आपने पहले SBI स्मॉल कैप का और HDFC फ्लेक्सी कैप और दो आपने कौन सा कहा, कोटक? तो मेरे ख्याल से वनराज ये जो शो है ना हमारा YouTube पर भी जाता है, वहाँ पर मैं गुजारिश करती हूँ कि आप हमारा शो YouTube पर देखें और फंड्स के नाम जो आपको रेकमेंड किए गए हैं वो स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं, वहाँ से आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि मेरे पास समय इसके लिए ख़त्म हो चुका है। इसी के साथ गौतम आपका और श्वेता आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय निकाला दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग आज की। और इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन जाते जाते वो नंबर जहाँ पर हमें इंतज़ार रहता है आपके सवालों का, हमारा व्हाट्सएप नंबर जो आपको ज़रूर ही नोट डाउन करना है। इतना ही नहीं, YouTube पर बहुत दर्शक देख रहे हैं और अपने सवाल भी भेज रहे हैं, म्यूचुअल फंड से लेके, इंश्योरेंस से लेके,
शॉर्ट टर्म में कमाई करनी हो या लॉन्ग टर्म की, सबका निवारण हमारे पास है आपके लिए। हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए कराएंगे आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग। यूट्यूब पर अपने कमेंट बॉक्स में सवाल डालिए, और जब सवाल डाले तो अगर किसी म्यूचुअल फंड में आपने पैसे लगा रखे हैं तो उस फंड के बारे में हमें जानकारी दें, कितने साल से निवेशित हैं, कितने साल तक आप उसमें निवेशित रहेंगे, कितना इकट्ठा करना चाहते हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का लक्ष्य हो या खुद का घर खरीदने का कोई सपना हो, पूरा डिटेल में सवाल भेज दीजिए ताकि आपकी बेहतर से बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग हम लाइव करा सकें। बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर, रोजाना आप देखते हैं शाम को 4 बजे और रात को 8 बजे, जहां पे आपके सवाल हम सब शामिल करते हैं। नमस्कार।